नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी के लिए दिक्कतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनकी पत्नी हसीन जहां ने उन पर 7 मार्च 2018 को सबसे बड़ा आरोप जिसे हम बताया जो हसीन जहां ने लगाया है वो लगाया है दुष्कर्म का, उसके बाद बेवफाई का आरोप, उसके बाद धोखाधड़ी का आरोप और एक बार फिर उन्होंने मैच फिक्सिंग का आरोप ही लगाया था। आपको बता दें कि 7 मार्च से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर यानी कि फेसबुक पर हसीन जहां ने एक पोस्ट जारी किया और मोहम्मद शमी की कुछ चैट्स की तस्वीरें वायरल की जो उन्होंने कई लड़कियों के साथ की थी। हसीन जहां के मुताबिक मोहम्मद शमी कई औरतों के साथ जो हैं रिलेशनशिप में थे, कई औरतों के साथ उनके संबंध थे और हसीन जहां के मुताबिक मोहम्मद शमी ने उन्हें धोखा दिया था। ये बात सोचने वाली थी कि एक बेगम अपने ही शौहर को किस तरह से जाल में फंसा रही है, जहां पर उनके शौहर वो भी जानती हैं कि बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। मोहम्मद शमी का उस समय वर्चस्व चल रहा था क्योंकि भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका में ही हरा कर आई थी और उस जीत के सूत्रधार बने थे मोहम्मद शमी, और उसके अचानक बाद अगर इस तरह की खबर सामने आती है तो हर कोई हिल जाता है। हालांकि फेसबुक ने हसीन जहां का जो अकाउंट है उसे डीएक्टिवेट किया और ये पूछा कि क्या जो आप इल्ज़ामात लगा रही हैं क्या इल्ज़ामात सही हैं। हसीन जहां की एक बात जो है वो सोचने वाली है। लगातार 2 महीने से फ्रॉम द डे 1 हम ये बात सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरे शौहर दुनिया के सामने माफ़ी मांग लेते हैं तो मैं उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आप जो माफ़ी मंगवाना चाहती हैं वो क्या आप लोगों के सामने मंगवाना चाहती हैं ताकि आप ये प्रूफ कर पाएं कि आप सही हैं और मोहम्मद शमी गलत है। दूसरी बात, अगर हसीन जहां वाकई में शमी के साथ रहना चाहती हैं तो फिर वो पब्लिकली इन सारी चीज़ों की डिमांड क्यों कर रही हैं कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, इस वजह से मैं उनके साथ रहूँगा। अब मोहम्मद शमी ने भी इस मामले को जो है वो उलझा रखा है। उन्होंने कहा था कि वो ईद से ठीक एक दिन पहले या फिर ईद के ही दिन यानी आज के दिन इस मसले पर अपना फैसला, अपना फरमान सुनाएंगे और उसके बाद इन दोनों के जो रिश्ते का जो भी खुलासा होगा या जो भी अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं इस पर मोहम्मद शमी अब फैसला लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक दोनों ही पक्षों की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिसे देखकर ये हम कह सकें कि यहाँ पर मोहम्मद शमी सही हैं या फिर हसीन जहां सही हैं, क्योंकि मैच फिक्सिंग मामले में तो चलिए मोहम्मद शमी को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन बाकी मामलों में अभी भी कोलकाता पुलिस जो है वो जांच कर रही है। और कोलकाता पुलिस ने जब मोहम्मद शमी को समन जारी कर कोलकाता बुलाया था, लाल बाजार कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी, वहां पर उनसे पूछताछ भी हुई थी, पुलिस ने साफ तौर पर मोहम्मद शमी से पूछा था कि क्या आपके भाई हसीब अहमद और हसीन जहां के बीच दुश्मनी थी, क्या हसीब अहमद और हसीन जहां की आपस में नहीं बनती थी, इस तरह के सवालात ज़रूर किए गए थे। और मोहम्मद शमी ने साफ तौर पर यह कहा था कि हसीब से हसीन जहां की नहीं बनती है और हसीन जहां जो हैं उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जिस दिन का ये मसला उन्होंने बताया था 7 दिसंबर 2017 की तारीख उन्होंने बताई थी कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद साफ तौर पर मोहम्मद शमी ने सवाल भी पूछे थे कि अगर आपके साथ दुष्कर्म हुआ तो आपने बताया क्यों नहीं, या आप मुझे बताती मैं आपका शौहर हूं, या फिर आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था। हालांकि ये दो सवाल बहुत गलत किए हैं मोहम्मद शमी ने, क्योंकि अगर एक औरत की तरीके से सोचा जाए तो ये दुष्कर्म की बात आप सवाल इस पर नहीं पूछ सकते हैं। अगर इस तरह की कोई घटना होती है दर्दनाक तो शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल यही उठे कि मोहम्मद शमी आखिर चाहते क्या थे, क्या वो अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते थे या फिर वो टीम के अंदर आने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि अब योयो टेस्ट हो चुका है। योयो टेस्ट में साफ तौर पर मोहम्मद शमी जो हैं वो फेल पाए गए हैं। 16.1 का आंकड़ा पार करना होता है योयो टेस्ट पास करने के लिए और मोहम्मद शमी को मिले हैं सिर्फ 7.5, यानी कि अपनी बॉडी जो फिटनेस की बॉडी चाहिए होती है एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए, एक टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए,
उसके उसके हिसाब से मोहम्मद शमी की स्ट्रेंथ अब वो नहीं रह गई है। तीसरी बात, एक इल्ज़ाम और लगाया यहाँ पर हसीन जहाँ ने, उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी को, मोहम्मद शमी ने जो है, माफ़ कीजिएगा, बीसीसीआई को धोखा दिया है, उन्होंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो फर्जी बीसीसीआई के पास जमा किया है, यानी कि मोहम्मद शमी की जो डेट ऑफ बर्थ है बीसीसीआई के रिकॉर्ड्स में वो है 1988। जी हाँ, और हसीन जहाँ के मुताबिक मोहम्मद शमी का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो है 1982 का, यानी कि 6 साल की उम्र का जो ये फासला है ये मोहम्मद शमी ने छुपाया है बीसीसीआई से और साफ तौर पर बीसीसीआई को धोखा दिया है हसीन जहां के मुताबिक मोहम्मद शमी ने। इस पर मोहम्मद शमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब एक बात और जो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से जब हाल ही में हसीन जहां गई थी अमरोहा, मोहम्मद शमी के गांव सहसपुर अमरोहा गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं यहां अपनी बच्ची का हक मांगने आई हूं, अपना हक मांगने आई हूं और अपना हक बिना लिए नहीं जाऊंगी। इस मामले में बिरादरी बीच में आई और बिरादरी ने साफ तौर पर दखल अंदाजी करते हुए कहा कि इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, यहाँ पर छीछा लेदर हो रही है, आप सबकी बदनामी हो रही है, गाँव की बदनामी हो रही है। उसके बाद मोहम्मद शमी को के लिए जो तारीख मुकर्रर की गई इस फैसले को, अपना अपना फैसला सुनाने की, तो मोहम्मद शमी को करीब 13 मई को बुलाया गया था और 13 मई को मोहम्मद शमी वहां पर नहीं पहुंचे, यानी कि साफ तौर पर मोहम्मद शमी कंप्रोमाइज़ करने के मूड में तो नहीं दिख रहे थे हसीन जहां के साथ। इस मसले के बाद जब मोहम्मद शमी वहां पर नहीं पहुंचे, हसीन जहां भी अपने गाँव कोलकाता वापस लौट गई, दोनों पक्षों की तरफ से ये बयान आया कि हम मीडिया के सामने कुछ नहीं कहेंगे, ये हमारा निजी मसला है। हसीन जहां ने तो ये तक कह डाला कि मोहम्मद शमी ने मीडिया को बेवकूफ बना दिया है। अब ये बात सोचने वाली है कि जो मीडिया 24 घंटे नज़र रखती है हर चीज़ पर, उस मीडिया को कोई बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया मोहम्मद शमी और हसीन जहां के पास नहीं गई थी, हसीन जहां ने चैट्स वायरल करवाई, मोहम्मद शमी पर इल्ज़ाम लगाए, उसके बाद ये मसला जब इंडियन क्रिकेट पर आया तब मीडिया के सामने मसला जो है वो हाईलाइट हुआ। साफ तौर पर हसीन जहां ने कहा था कि मोहम्मद शमी के साथ कई ऐसे और क्रिकेटर्स हैं जिनके नाम शामिल हैं इस मैच फिक्सिंग विवाद में। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैच फिक्सिंग होगी तो वो किसी टूर के दौरान नहीं होगी। उन दिनों भारतीय टीम जो है वो दक्षिण अफ्रीका दौरे से वापस लौटी थी, और या तो अगर फिक्सिंग होगी तो टूर के बाद होगी या टूर से पहले होगी। उसके बाद बीसीसीआई ने एसीयू का गठन किया और एसीयू को साफ तौर पर निर्देश दिए कि आप मोहम्मद शमी की जो भी रिपोर्ट है वो हमारे सामने पेश कीजिए। एंटी करप्शन यूनिट का जो काम होता है वो ये है कि अगर कोई टीम का खिलाड़ी इधर उधर जाता है या होटल छोड़कर जाता है, टीम का साथ छोड़कर जाता है, तो वो उस पर पैनी नज़र बनाए रखे। ये इंडियन क्रिकेट पर बहुत बड़ा काला दाग लगाया था हसीन जहां ने जब बीसीसीआई ने ये फैसला सुनाया कि मोहम्मद शमी जो है मैच फिक्सिंग मामले में निर्दोष है, क्योंकि हसीन जहां ने कहा कि बीसीसीआई ने अब साफ तौर पर मोहम्मद शमी को खुला छोड़ दिया है और उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब हसीन जहां ने जो फिक्सिंग वाला इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने बाद में अपने बयान को पलटा और मीडिया के सामने कह दिया कि मुझे ऐसा लगा कि वो मैच फिक्सिंग में शामिल हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये बात कह दी। सिर्फ कह देने से यहां पर जो चीज़ें हैं वो साबित नहीं हो जाती, क्योंकि चीज़ें तथ्यों के आधार पर चलती हैं, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। अब लाल बाजार कोर्ट में जब ये मसला पहुँच गया है तो लाल बाजार कोर्ट ने साफ तौर पर 3 सवाल पूछे हैं हसीन जहां और मोहम्मद शमी से रिलेटेड। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब हसीन जहां के साथ दुष्कर्म हुआ तो उन्होंने क्या पुलिस पे FIR दर्ज कराई या फिर अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई। दूसरी बात, अगर हसीन जहां जानती थी कि मोहम्मद शमी के इतने दिनों से जो है अवैध संबंध चल रहे थे तो वो चुप क्यों रहीं और एकदम से उनका ऐसा क्या मन कर गया कि उन्होंने इन सारी चैट्स को वायरल कर दिया। तीसरी बात ये कि जो हसीन जहां मोहम्मद शमी पर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उन्होंने उनके साथ बेवफाई की है, हमें उन्हें धोखा दिया है, उनकी बच्ची को धोखा दिया है, वो इस बात के लिए कैसे रेडी हो गई, इस बात को लगातार क्यों रिपीट कर रही हैं कि अगर वो दुनिया के सामने माफ़ी मांग लेंगे तो मैं उनके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। यानी कि ये बात तो साफ तौर पर जाहिर हो जाती है कि हसीन जहां जो हैं वो अपने आप को सही साबित करना चाहती हैं मीडिया के सामने, दुनिया के सामने, क्योंकि मीडिया के साथ उन्होंने कई बार बदसलूकी भी की है।
और साफ तौर पर मीडिया को निशाने पर लेकर आई हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मीडिया कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी को सपोर्ट कर रही है। सेम चीज़ मोहम्मद शमी ने भी कही। मोहम्मद शमी ने कहा कि आप मेरे निजी मसले को इतना ज़्यादा उलझा रहे हैं, इतनी बड़ी चीज़ थी नहीं, आपने इस मसले को और बड़ा बना दिया। अरे भाई, मीडिया तो गई नहीं थी आपके पास, जब आप पर इल्ज़ामात लगे आप हर चैनल तक गए, आपने हर चैनल पर इल्ज़ामात हर चैनल पर जाकर इंटरव्यू दिया और अपनी खुद की बेगुनाही की गुहार खुद से ही लगाई। उन्होंने कहा कि भाई मैं बेकसूर हूँ और कई चैनल्स में इंटरव्यू देखे भी जा सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लाल बाजार कोर्ट में जब ये पेशी होगी, यानी कि आज के दिन ईद के बाद अब जो तारीख आएगी, वहाँ पर मोहम्मद शमी और हसीन जहां की तरफ से क्या फैसला आता है, तुर्क बिरादरी क्या डिसीजन लेती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मोहम्मद शमी और हसीन जहां से रिलेटेड तमाम अपडेट्स लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट माइंड स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना।